हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ भाग दो। आज मैं क्या लेकर आया हूँ भाग दो। मैंने कल भाग एक में 1 से 10 तक का स्क्वायर निकालने के लिए सिखाया था। नो यदि आपको नहीं आता है तो हमको कमेंट में बताइए। तो अब हम चलेंगे टू डिजिट में। आपको आपको थोड़ा हार्ड लगता होगा। इसको भी देखिए, 11 के पावर 2 दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, 11 × 11 × 11 × 11 कर देंगे। तो 11 × 11 करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 121 आएगा। कितना आएगा, 121। लेकिन इसको हम ट्रिक के साथ करते हैं। किसके साथ, ट्रिक के साथ। जब हम ट्रिक के साथ मान लीजिए 11 × 11 में करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हमने आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक यदि आप जान लेंगे तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से, एकदम आसानी से इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है, देखिए 11 का स्क्वायर निकालना है तो हमको क्या करना है। देखिए 11 दिया है तो क्या करेंगे, 1 × 1 कर लेंगे। उसके बाद इंटू में देखिए पावर के 2 दिया है तो यहाँ पे × 2 कर लेंगे। जब इसको हम 2 कर लेंगे, देखिए इन तीनों को इंटू कीजिए, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए ये 1 दिया है ना, इसको छोड़कर यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो हमने आपको बताया था 1 × 1 होता है। तो देखिए यही होता है ना, 1 × 1 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हमको क्या करना है, देखिए 1 का आपको ये लर्न होना चाहिए, ये पूरा 1 से लेकर 10 तक तो होना चाहिए लर्न, तभी आप इधर से देखिए 11 से लेकर आपको मैं 200 तक आपको स्क्वायर निकालूंगा केवल ट्रिक के साथ। तो देखिए मान लीजिए आप 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, उसके बाद आप यहाँ 0 लगा दीजिए, उसके बाद इसका भी वर्ग निकालिए तो इसका वर्ग भी होता है कितना होता है, 1 होता है, तो बस 1 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, इस 2 को आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ एक के इधर एक छोड़ कर यहाँ, और इसको जोड़ लीजिए। देखिए 1, इसको जोड़ेंगे 2 और इसको लिखेंगे 1। देखिए आपका 121 कितना एलसी, आपका 121 स्क्वायर आ गया। तो हम केवल ट्रिक के साथ लगाएंगे। किसके साथ, ट्रिक के साथ। तो चलिए तब चलते हैं इस पे। देखिए 12 का कितना होता है, जब 12 का आप देखिए, जब 12 को देखिए 2 स्क्वायर दिया है तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, 2 × 2 = 2। इसका कितना होता है, 144 होता है। जब हम इसका ट्रिक आजमाएंगे, क्या आजमाएंगे, ट्रिक। ऐसे तो मान लीजिए अब जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 12 × 12, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 1 × 2 = 2, 1 × 1 = 1, तो करते रह जाएंगे। इससे बड़ा आएगा, इससे भी बड़ा आएगा, इससे भी बड़ा आएगा, तो 1-1 घंटा सोचेंगे। तो आप केवल इतना लर्न करने के लिए क्या जरूरत है, आप 1 से 10 तक बस जरूरत है आपको, उसके बाद तो मैं आपको सिखाऊंगा। केवल आप ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक जान लीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, 12 के यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, उसके बाद 2 है तो इंटू में 2 लिख लेंगे, उसके बाद पावर पे 2 दिया है तो इंटू में 2 कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे, इन सब को इंटू कर लेंगे, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको 2 का स्क्वायर बताया था 4 होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 0 लिख लीजिएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, 1 अंकिया छोड़ के ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4, ये अभी देखिए 4, ये 1, तो आपका 144 आ गया। 144 आएगा कि नहीं आया, आ गया ना, तो आप कर लीजिएगा। तो 13 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 13 का स्क्वायर होता है, तो देखिए 13 × 13 = 169 होता है। कितना होता है, 169।
तो देखिए, तो हम इसका क्या करेंगे, देखिए इसका भी ट्रिक है। मान लीजिए जाएंगे 13 बाई 13 में इंटू करेंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको कितने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक केवल अपलोड कीजिए ना। तो देखिए 13 करना है, तो देखिए 13 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओम लिख देंगे, इंटू में 3 लिख देंगे, फिर इंटू में पावर 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 केवल क्या लिखेंगे, 2। अब इसको हम इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 3 3 होता है, 1 3 3 कितना होता है, 3 2 6 तो कितना हो जाएगा, 6, कितना होगा, 6। उसके बाद क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 पे 2 घात होता है, तो कितना होता है, 3 का स्क्वायर कीजिए, बताइए जल्दी, 3 3 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 उतार लीजिएगा, क्योंकि इकाई का अंक है तो 0 उतरेगा। यदि यहाँ पे मान लीजिए 4 आ गया तो 4 4 16 हो जाएगा, तो उसके पहले 0 नहीं लगेगा, क्योंकि दहाई का अंक हो जाएगा। तो देखिए 1 है तो हमें यहाँ पे 1 उतार लेंगे, इसका भी वर्ग होगा, यदि मान लीजिए 2 आ गया तो इसका वर्ग होता है 4 3 4 उतारना पड़ेगा, फिलहाल में 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 उतार दिए। उसके बाद 9 को छोड़कर 0 के सामने हम क्या लिखेंगे, 6 को लिख देंगे, देखिए 1 6 9, ये आपका ये ट्रिक हो गया। तो आप ऐसे ट्रिक से निकालिए, हम आप लोग को देखिए फिर बताते हैं। 14 का देखिए क्या दिया है, इसको भी लिख लेंगे, 14 × 14 स्क्वायर दिया है, इसका क्या होता है, 196 होता है, 196। यदि मान लीजिए यदि आपको 9 आता हो तो आप क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से निकालते रहिएगा, ट्रिक के माध्यम से निकालते रहिएगा। तो देखिए 14 का देख लीजिए, मैं 14 का आपको बताता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, किसका, 14 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर टू लिख दीजिएगा, 1 × 4 × देखिए 1 × 4 × आप पावर में 2 है, इसको भी इसी में इंटू कर देंगे, 2 1 × 4 = 4 × 4 = 8, तो आपका 8 हो जाएगा। देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, अभी मैंने बताया था, अब दहाई मान लीजिए 2 डिजिट में हो गया, 1 डिजिट में जब रहता है तो यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, जब 2 डिजिट में हो जाता है तो हम 0 नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका 16 हो गया। इस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 उतार लेंगे, आपको हम मान लीजिए 6 को छोड़कर ये पिछला वाला स्थान पे हम 8 को लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग 15 का निकालिएगा, मैं 16 से करता हूँ, 15 का निकाल कर आप कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं किस पे, 16 पे, 16 का 15 का आप लोग निकालिएगा, किसका, 15 का, मान लीजिए 15 का 15 × 15 = आप इसका बताइएगा कैसे ट्रिक के माध्यम से कीजिएगा। यदि ट्रिक के माध्यम से न आता हो तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, सर हमें ट्रिक से नहीं आ रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले आप इसको कोशिश जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम 16 का, देखिए 16 का क्या होता है, मान लीजिए 16 का स्क्वायर है, हम इसको क्या करेंगे, 16 का कैसे करेंगे, देखिए 1 × 6 × 2, तो देखिए 1 6 = 6, ठीक, 6 × 2 = 2n, इसको हम 2n कर दिए। मान लीजिए इसका वर्ग होता है 36, 1 का वर्ग होता है 1, मान लीजिए 12 दिया है तो 12 × 1 = 6 5 2, कितना हो गया, 296, कितना हो गया, 296। तो देखिए 16 का आपका कितना होगा, 16 × 16 = 296। तो आप केवल सर्च मारिएगा स्क्वायर निकालने का,
ट्रिक भाग दो तो आपको 11 से 20 तक मिलेगा। यदि भाग थ्री में जाएंगे तो क्या से मिलेगा 21 से 30 तक मिलेगा। यानी 10-10 आपको मैं स्क्वायर बताता रहूंगा, आपको मैं कितना तक हजार तक बताऊंगा, कहां तक हजार तक बताऊंगा। तो चलिए 17 का देखते हैं। मान लीजिए 17 का आपका क्या दिया है, 17 का देखिए 17 है ना, 17 तो देखिए 17 का स्क्वायर निकाला है। 17 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेम वही ट्रिक अजमाना है, 1 × 1 × 7 इंटू पावर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे इक्वल टू 1 × 7 = 7। मान लीजिए 7 का पहला दो बार पढ़ेंगे, 7 × 2 = 14, 7 का स्क्वायर करेंगे। हमने आपको यहाँ बताया था 7 का स्क्वायर निकालने के लिए भाग 1 में 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, कितना 49, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे देखिए 14 है तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे, 1 छोड़कर इधर से 1 छोड़कर इधर से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 मान लीजिए 7 × 7 = 49 1 × 7 = 14 हाँ, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। 17 का कितना होगा, 17 × 17 = 289। उसके बाद देखिए देखिए 18 का जब निकालना होगा आपको, किसका 18 का निकालना होगा तो 18 का हम कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए 18 का स्क्वायर इक्वल टू 1 × 2 = 8 × 2 8 × 2 = 16 एक मान लीजिए 1 + 8 में पड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 × 2 = 16, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 1 का वर्ग होता है 1, उसके बाद 16 को हम यहाँ लिख देंगे 8 × 2 = 16 8 × 8 = 64 तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 6 × 6 = 12 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 × 2 = 3 यानी 324 कितना होगा 18 × 18 = 324। उसके बाद देखिए दिया है 19 का स्क्वायर, कितना 19 का स्क्वायर, जब 19 का स्क्वायर करेंगे 1 × 9 × 2 लिख देंगे, 9 × 2 = 18 होता है, 9 × 9 = 81 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, उसके बाद हम 18 को कहाँ लिख देंगे, 18 को हम यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 8 × 8 = 16 मान लीजिए 8 और 8 जोड़ देंगे कितना होगा 16 तो आप 16 लिख देंगे 1 × 2 = 3 यानी 300 कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा, कितना 361 हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद देखिए 20 का जब हम करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 × 0 × 2 तो देखिए 2 का पहला 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 0 का पहला 2 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और जबकि 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 0 उतार लीजिए, इकाई का अंक है तो उसके बाद यहाँ पे आप कितना उतार लीजिए 2 उतार लीजिए, जब 2 उतार लेंगे तो देखिए आपका यहाँ भी 0 आया है तो देखिए यहाँ पे 0 उतार लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको करना क्या है, ये इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है तो हमको इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, सॉरी इसका स्क्वायर देखिए 0 का तो मान लीजिए 0 0 हो गया और 2 का क्या होगा 4 होगा तो हमको देखिए क्या करना है, 0 जब जोड़ेंगे तो 0 का 0 आइए 4 तब का कितना होगा 20 × 20 = 400। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले नेक्स्ट वीडियो यानी भाग 3 में मैं 21 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर करना सिखाऊंगा, तो आप मेरे चैनल में एकदम अच्छी तरीके से सीखेंगे। आपको यदि ना आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में 21 से 30 तक देखेंगे यानी भाग
थ्री में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। जो पहली बार आया है मेरे यूट्यूब को वो पहले सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं भाग थ्री में।